हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मैं मनोज कुमार बंसल, केमिस्ट्री वाले सर। तो आज मैं हूँ आपके सामने केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक वाले पार्ट को। जैसा कि मैं आपको पिछले दो वीडियो में बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होने वाली है। फिजिकल के चैप्टर कटे, इनऑर्गेनिक के चैप्टर कटे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ इन्होंने नहीं झांका। तो हम स्टार्ट करेंगे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है और बड़ी बेसिक सी बात है कि ऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन बच्चे इसका जवाब देते हैं कि सर जिसमें कार्बन हो। मैं बोलता हूं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या ओनली कार्बन होने से? क्लियर? जो आपके पास प्रेजेंस ऑफ कार्बन है, कि सिर्फ कार्बन होने से काम बनेगा? तो फिर तो कैल्शियम कार्बोनेट के पास भी कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसके पास कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो फिर ऑर्गेनिक होने के लिए क्या चाहिए? तो ऑर्गेनिक होने के लिए प्रेजेंस ऑफ कार्बन तो मस्ट है ही। ऑर्गेनिक होने के लिए प्रेजेंस ऑफ कार्बन तो जरूरी है ही, इसके अलावा क्या जरूरी है? उसके लिए मैं बच्चों को बताता हूं, सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है होमोलोगस सीरीज। वो है होमोलोगस सीरीज। अब बच्चे कहेंगे सर ये होमोलोगस सीरीज क्या है? पहले तो आप बात को समझें कि अगर किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक होना है तो दो बातों को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। पहली बात जो फॉलो करनी है वो है प्रेजेंस ऑफ द कार्बन, जो कि मस्ट है। सेकंड जो है वो 101% एक चीज चाहिए चाहिए, वो उसके पास है होमोलोगस सीरीज। तो अब हम होमोलोगस सीरीज के बारे में बात कर सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या है। जो होमोलोगस सीरीज है उसमें एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। क्लियर? होमोलोगस सीरीज शुड फॉलो द जनरल फॉर्मूला। होमोलोगस सीरीज में एक जनरल फॉर्मूला होना बड़ा जरूरी है। होमोलोगस सीरीज शुड ओबे द जनरल फॉर्मूला। कहते सर एग्जांपल बताइए, जनरल फॉर्मूला कैसे होना चाहिए? तो मैं बच्चों को बोलता हूं, जैसे कि आपके पास एल्केन है, ठीक हुआ? एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। तो यहां जो एन है उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट करके आप आगे फर्दर 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर आगे जितना भी नंबर आप पॉसिबल है वहां तक जा सकते हैं। फिर बच्चे ने कहा सर होमोलोगस सीरीज का दूसरा करेक्टर क्या होएगा? तो होमोलोगस सीरीज का जो सेकंड करेक्टरिस्टिक है वो है कि जो आपके पास फॉर्मूले बन रहे हैं, जो आपके पास फॉर्मूले बन रहे उन दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच, जैसे कि CnH2n+2 हुआ, इसके फॉर्मूलों में पहला बना मीथेन एक कार्बन पुट करने पर, फिर एन की जगह 2 पुट करने पर C2H6 बना, फिर C3H8 बना। तो जब मैं मीथेन और इथेन के बीच कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस निकालूंगा, जब मैं मीथेन और इथेन के बीच कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस निकालूंगा तो वो डिफरेंस निकल कर आएगा CH2। और CH2 में कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1+1=2, टोटल 14 हो गया। तो एक लाइन जो मैं यहां बोलना चाहूंगा, आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से डालकर रखना उस बात को, कि अगर कहीं भी होमोलोगस सीरीज आपके पास है, अगर कहीं भी होमोलोगस सीरीज आपके पास है, तो होमोलोगस सीरीज अगर आपके पास है तो दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो फर्क होएगा, डिफरेंस होएगा, वो होएगा CH2 का, या 14 मोलिकुलर वेट का डिफरेंस होने वाला है। 14 मोलिकुलर वेट का डिफरेंस होने वाला है। पहली बात प्रेजेंस ऑफ कार्बन है, दूसरी बात होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज जो एक जनरल फॉर्मूले को ओबे करती है, होमोलोगस सीरीज जिसके दो मेंबर्स के बीच में आपको CH2 या 14 मोलिकुलर वेट का डिफरेंस दिखता है। उसके अलावा कोई और बात है इसके अंदर? बिल्कुल है जी। जो होमोलोगस सीरीज है उनके दो मेंबर्स में CH2 और 14 मोलिकुलर वेट का डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज, मेंबर्स ऑफ द
होमोलोगस सीरीज नंबर थ्री पे चलने जा रहे हैं, मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज should be prepared by the common general word भी लगा सकते हैं, common methods of preparations. अब ये बात अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको हो सकता है सुनने में थोड़ी सी अजीब लगे कि ये बोल क्या रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊं अगर कि जैसे मीथेन है, हमारे पास मीथेन है ठीक है जी, तो मीथेन को बनाने का तरीका क्या हुआ, मीथेन को बनाने के मान लीजिए आपके पास तीन मेथड है, मान लीजिए आपके पास मीथेन को बनाने के तीन मेथड है, तो उन्हीं तीन मेथड से इसका अगला मेंबर इथेन भी बनना चाहिए और बनता भी है, जिस मेथड से इथेन बन रहा है, जिससे मीथेन बन रहा है, उसी से आपका कौन बनेगा जी, प्रोपेन बनेगा, उसी से आपका प्रोपेन बनेगा। तो मेरे कहने का यहां जो मीन है वो क्या है कि अगर आपके पास होमोलोगस सीरीज है उसके जो मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स के प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स कॉमन होने चाहिए, उनके मेंबर्स को बनाने के कुछ मेथड्स कॉमन होने चाहिए, वो है तो श्योर वो एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होंगे। और फिर जो फोर्थ नंबर पे मैं बात लिखने जा रहा हूं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चे कहते सर अब ये नई बात क्या आ गई है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए अच्छे हैं, ये बातें आपको समझनी चाहिए कि सर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हम उसके स्मेल की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी का दूसरा मतलब होता है कहीं ना कहीं हम उसके फिजिकल स्टेट कि वो सॉलिड है लिक्विड है या गैस है, उसकी स्मेल कैसी है, या फिर मैं उसके कलर की बात कर रहा हूं, या मैं उसके कलर की बात कर रहा हूं, मैं उसके एमपीबीपी की बात कर रहा हूं, मैं उसके बीपीएमपी की बात कर रहा हूं। तो अगर उसकी फिजिकल स्टेट की बात हो रही है, उसके कलर की बात हो रही है, उसके स्मेल की बात हो रही है, उसकी सोल्युबिलिटी की बात हो रही है, तो इन सबको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सबको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज में कॉमन मुझे सिक्वेंस देखने को मिलती है, जैसे कि मैं एल्केन्स की बात करूं तो स्टार्ट के C1 से लेकर C5 तक, ये कार्बन का नंबर C1 से C5 तक मुझे वो गैसेस दिखते हैं, C5 से C9-10 तक वो मुझे लिक्विड मिलते हैं, एंड देन आफ्टर C10 के बाद वो मुझे सॉलिड मिलते हैं। कहना क्या चाहते हैं, बस यही तो कह रहे हैं क्या कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उनमें एक रेगुलरिटी सीक्वेंस ऑफ रेगुलरिटी मिलने वाली है कि पहला मेंबर अगर घुला तो दूसरा कम घुला, तीसरा उससे कम घुला, चौथा उससे कम घुला, या उल्टा भी हो सकता है। फिजिकल स्टेट पहले नंबर पर अगर गैस है तो फिर धीरे धीरे लिक्विड बना फिर सॉलिड बना। तो कुल मिलाकर जो बात आपको समझनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन की प्रेजेंस जरूरी है, होमोलोगस सीरीज होना जरूरी है, कैल्शियम कार्बन में कार्बन है, CO2 में कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो फिर क्या करें, होमोलोगस सीरीज चाहिए उसके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट CO2 की एक होमोलोगस सीरीज जो जनरल किसी भी एक फॉर्मूले के मेंबर्स नहीं है, तो होमोलोगस सीरीज जो एक जनरल फॉर्मूले को ओबे करे, जैसे कि एल्केन सीरीज हुई, ऐसे और भी ढेरों बताऊंगा मैं आपको, दो मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होएगा, 14 मोलिकुलर वेट का डिफरेंस होएगा, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होंगे, इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक रेगुलरिटी होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर आपके दिमाग में ये सेट हुआ कि ऑर्गेनिक कौन है तो आपको इस चैप्टर को फर्दर पढ़ने में इजी रहने वाला है। अच्छा जी, अब जो इश्यू बना वो क्या इश्यू बना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कैसे होते हैं, तो हुआ क्या जी सबसे पहले साइंटिस्ट था आपके पास बर्जीलियस, जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स क्या है, तो पूरी हिस्ट्री में केमिस्ट्री की हिस्ट्री में एक साइंटिस्ट हुए बर्जीलियस, इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं वाइटल
फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी उसको बोलते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इस वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जीलियस ने क्या लिखा, इस वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जीलियस ने लिखा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही सिंथेसाइज हो सकते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही सिंथेसाइज हो सकते हैं, ऐसा बताया बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने फर्स्ट टोल हमें ये बताया कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे ओनली एंड ओनली, तो भाई साहब ने क्या बोला, इन्होंने कहा द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली बाय द मिस्टीरियस पावर, ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप कहेंगे सर लिविंग क्या, ये आसान है आपके लिए क्योंकि आप 11th में आ चुके हैं, तो मैं और आप लिविंग हैं, प्लांट्स भी लिविंग हैं, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही केवल ओनली एंड ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकता है, ऐसा बर्जीलियस सर ने बताया। लेकिन बर्जीलियस सर का एक स्टूडेंट था, उसका नाम था होलर, उन्होंने कहा ये हमारे गुरुजी क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब या तो वो प्लांट्स से आएंगे या फिर वो एनिमल्स से आएंगे, इसके अलावा इस दुनिया में कैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं। तो होलर ने क्या किया, अपनी तरफ से एफर्ट्स किए और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेल्प से, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेल्प से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिए, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेल्प से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे बर्जीलियस सर की वाइटल फोर्स थ्योरी थी, जो हमारे बर्जीलियस सर की वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको सेटबैक लगा, जो बर्जीलियस सर की थ्योरी है उसको सेटबैक लगा। उसको सेटबैक लगना मतलब क्या हुआ कि वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई, और ये एक वहम भी लोगों के दिमाग से खत्म हो गया, ये वहम भी लोगों के दिमाग से खत्म हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग मीन लिविंग टिश्यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही सिंथेसाइज हो सकते हैं, ये वहम खत्म हुआ। अब ये वहम खत्म हुआ तो होलर सर ने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ तो उनसे पूछा गया भाई कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज होंगे, तो उन्होंने क्या किया रिएक्शन करवाई। जैसे मैं अगर सिंपल वे में बोलूं तो उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को हीट किया, जैसे अमोनियम साइनेट को हीट किया तो इससे NH2CO NH2। अब ये हमारी क्लास लगातार और इसी रिदम में चलेगी, ये क्लास हमारी इसी रिदम में चलेगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे है, क्योंकि ये अमाइड फैमिली का मेंबर है। यूरिया इज द मेंबर ऑफ अमाइड फैमिली, ये अमाइड फैमिली का मेंबर है। यूरिया इज द मेंबर ऑफ अमाइड फैमिली, यूरिया इज द मेंबर ऑफ अमाइड फैमिली। अमाइड फैमिली में CONH2 रहेगा, अमाइड फैमिली में CONH2 रहेगा, CONH2 एक फंक्शनल ग्रुप है। ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्काइल क्या है, क्लियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज को कौन कंट्रोल कर रहा है। तो NH4CNO एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इस यूनिवर्स का पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ। लेकिन इससे पहले उन्होंने पता क्या किया था, अमोनियम साइनेट को बनाया था। अमोनियम साइनेट कैसे बनाया था इन्होंने, इन्होंने अमोनियम सल्फेट को KCNS के साथ, KCNO के साथ हीट किया। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो K2SO4 अलग हुआ, वहां से फिर अमोनियम CNO बना। अमोनियम CNO यानी अमोनियम साइनेट, उस अमोनियम साइनेट को फर्दर हीट कर जो कंपाउंड बना वो था यूरिया, और यूरिया एक होमोलोगस सीरीज का मेंबर है जिसको बोलते हैं अमाइड फैमिली। जैसे एल्केन्स की है ना बच्चे, एल्केन्स एक होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन्स एक होमोलोगस सीरीज है, एल्काइन्स एक होमोलोगस सीरीज, जनरल फॉर्मूला है। वैसे जो अमाइड्स हैं ये भी एक जनरल कैटेगरी में, जनरल फॉर्मूले में, जनरल
होमोलोगस सीरीज में आते हैं अमाइड्स, जो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। कुल मिलाकर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वॉज सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी दैट वॉज क्रिएटेड बाय द होलर। तो यहां से एक वहम बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी का खत्म हुआ, और जैसे ही वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हुई तब से हम मानने लग गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे थे, नहीं माने जा रहे थे, अब वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हो सकते हैं। अब हुआ क्या जी, इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट बड़े फेमस है, कोल्ब्स, KOLBES, कोल्ब्स। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हेल्प से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया, एसिटिक एसिड। नूडल्स खाते हैं आप लोग, नूडल्स में सिरका डलता है। जब भी आप कभी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपको अनियन देगा, सिरके वाला प्याज मांगते हो आप उससे अनियन, तो एसिटिक एसिड उसका कॉम्पोनेंट रहेगा जिसमें उसको हम लोग डिप करेंगे। तो ये एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये COOH होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज है, उसका मेंबर है। तो मेरा कहना यह है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वॉज सिंथिसाइज इन द लेबोरेटरी, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वॉज सिंथिसाइज इन द लेबोरेटरी, सर्वो तो यूरिया था, एग्रीड, फ्रॉम द एलिमेंट्स। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ उनके एलिमेंट्स की हेल्प से, उसको बोला गया एसिटिक एसिड। तो ये काम किया हमारे कोल्ब्स ने। ऐसे एक साइंटिस्ट और थे, लेकिन मैं फिर बच्चों को कई बार बोलता हूं क्लास में, आपको भी सेम मैसेज दे रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा, कि फर्स्ट हमेशा याद रखा जाता है। तो पहला कंपाउंड था यूरिया जो इनऑर्गेनिक से सिंथेसाइज हुआ, तो याद रखा गया। पहला कंपाउंड कौन है, एसिटिक एसिड, जो एलिमेंट्स की हेल्प से बना, जबकि जो आपका यूरिया था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेल्प से बना था, तो उसको याद रखा जाएगा अमोनियम CNO को हीट करके। ऐसे इसको याद रखा जाएगा जो एलिमेंट्स की हेल्प से बना। तो जो मोटी मोटी बात आपके दिमाग में आई है इस 17-18 मिनट की वीडियो में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, कार्बन होना चाहिए, दूसरी बात होमोलोगस सीरीज होनी चाहिए, होमोलोगस सीरीज क्या जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला होने के अलावा उन मेंबर्स के बीच में CH2 का फर्क होना चाहिए, उनके बीच 14 मोलिकुलर वेट का डिफरेंस होना चाहिए, इसके अलावा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसके मेंबर्स की होनी चाहिए, इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक सीक्वेंस होनी चाहिए। फिर उसने कहा भाई साहब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स क्या है, मैंने कहा जी सोर्स अगर मैं बर्जीलियस की मान लूं, वाइटल फोर्स थ्योरी कंसिडर कर लूं, तो उसके अकॉर्डिंगली तो सिर्फ और सिर्फ ये कहां से सिंथेसाइज होते हैं, ओनली फ्रॉम द लिविंग, मतलब जिंदा मिस्टीरियस पावर है, ऐसा बर्जीलियस ने बताया। लेकिन उसके बाद थीम बदली, थीम क्या बदली, जो उसी का स्टूडेंट है होलर, उसने क्या बताया, जो पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया वो सिंथेसाइज कर दिया उसने इनऑर्गेनिक से। उसने कहा जी हमारे गुरुजी तो गलत बोल रहे हैं, वो गलत क्या बोल रहे हैं, अपनी अपनी परसेप्शंस हैं चीजों को लेकर। उसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर दिया, देन आफ्टर फिर कोल्ब्स ने एलिमेंट्स की हेल्प से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड सिंथेसाइज कर दिया। तो इस तरीके से सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ओनली प्लांट्स एनिमल्स नहीं, वो हैं ओनली नहीं है, अगर आप बात को एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं तो। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या होगा, जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाता कैसे है, इसके लिए थोड़ा सा हमारी विजिट केमिकल बॉन्डिंग में भी होगी, तो वहां पहुंचते हैं हम लोग कि हाउ द कार्बन विल फॉर्म, कार्बन कैसे बनाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है जी, तो कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कैसे होगा, हाउ द कार्बन फॉर्म्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करेगा, हाउ द कार्बन विल फॉर्म द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें धीरे धीरे सबसे पहले कार्बन की कॉन्फिगरेशन पे जाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कॉन्फिगरेशन क्या है, शायद नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुंचा तो आपने थोड़ा बहुत बैकअप तो अपने साथ तैयार किया होगा। कार्बन हमारी पीरियोडिक टेबल का छठा मेंबर है जी,
इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p2 है जी। आउटर मोस्ट शेल में बच्चों से बोलता हूं तो कई बार वो यहां कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल क्या, ये जो 2s2 2p2 है ये आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वो आपको 4 दिख ही रहा होगा, ठीक है जी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दीज आर 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दीज आर 2। अब आप कहेंगे सर इसका ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 2। सर आप क्या बोल गए हमें समझ नहीं आया। केमिकल बॉन्डिंग में एक वैलेंसी की डेफिनेशन है, केमिकल बॉन्डिंग में एक वैलेंसी की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है क्या कि आउटर मोस्ट शेल में इधर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो उसको हम क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं वैलेंसी, उसको बोलते हैं वैलेंसी। तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट वैलेंसी है वो 2 है। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं क्या वो है एक्साइटेड स्टेट की बात। एक्साइटेड स्टेट किसकी कब आएगी, एक्साइटेड स्टेट किसी भी एलिमेंट की कब आने वाली है, एक्साइटेड स्टेट किसी भी एलिमेंट की कब आने वाली है, पहली बात उसके आउटर मोस्ट में ही वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, यहां वेकेंट ऑर्बिटल आपको दिख रहा है। दूसरी बात उसके आउटर मोस्ट शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एक्साइटेड स्टेट कब आएगी, जब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हों, जोड़ों के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पड़े हों, एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हों। देखो मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं, मान लीजिए आप किसी शहर में जा रहे हैं, दूसरे शहर में अपने होम टाउन को छोड़कर, वहां जाकर आप किसी होटल वाले से पूछते हैं सर कमरे हैं, बोलेगा है बिल्कुल है जी, खाली होंगे तो हां बोलेगा ना, वो खाली होगा तो हां बोलेगा ना। तो ये खाली था तो पॉसिबिलिटी है कि आप यहां रह लेंगे, पहली कंडीशन एम्प्टी ऑर्बिटल का होना। दूसरी बात आपने कहा सर कहां है, वो बोलेगा जी सेकंड फ्लोर पे है। आपने कहा मेरी तो कमर में दर्द है मैं सेकंड फ्लोर पे जा नहीं सकता, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ग्राउंड फ्लोर पे आप मुझे दे दें। होटल का मालिक बोलेगा भाई सभी तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हम किसी भी कस्टमर को कह ही नहीं सकते। उसने कहा आप रिक्वेस्ट करके देख लीजिए, क्या पता कोई कस्टमर ग्राउंड से फर्स्ट पे सेकंड पे जाने को तैयार हो जाए। उसने कहा ठीक है जी मैं ट्राई मार लेता हूं, अगर आप बीमार हैं तो मैं बात कर लेता हूं। तो अगर कोई भी ग्राउंड का कस्टमर, ग्राउंड का कोई भी आदमी या औरत फर्स्ट सेकंड पे जाने को तैयार हुई तो नीचे खाली बचेगा और ऊपर खाली ऑलरेडी था। तो जब नीचे कहीं पेयर्ड पड़े हुए, नीचे कहीं पेयर्ड पड़े हुए वो फर्दर मूवमेंट के लिए जा सकते हैं। ऐसे किसी रेलवे ट्रेन के डब्बे का एग्जांपल ले सकते हैं, नीचे कोई सीट छोड़ने को तैयार होगा तो ऊपर खाली होगी तो भर जाएगी वो, तो ये सीट छोड़ने को तैयार होगा आगे जाकर भर जाएगा। टोटल 4 के 4 ही हैं, लेकिन पेयर्ड होना और खाली होने से हम नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक पहुंच सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट तक कैसे पहुंचेंगे आप, जो मैंने कंडीशन बताई अपनी कॉपी में उसको स्पेशली मार्क करके रख लीजिएगा, किसी भी एलिमेंट की एक्साइटेड स्टेट कैसे आती है, किसी भी एलिमेंट की एक्साइटेड स्टेट कैसे आती है। वेकेंट ऑर्बिटल है जी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जी, तो गारंटेड इसमें एक्साइटेड स्टेट आएगी। तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अगले ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं पहली ग्राउंड स्टेट के बाद, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट। ये क्या बन गई है जी, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इसके पास अन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, दीज आर 4। बस यही कमाल की बात है। जब मैं अपने स्टूडेंट टाइम में था तो टीचर बोला करते थे कार्बन इज द ग्रैंडपा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दादाजी हैं। क्या करें, दादाजी के साथ 3-5 नहीं चलेगी, कार्बन को हमेशा 4 वैलेंसी के साथ ही आपको रखना है। कार्बन के सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग में C2 जब बनता है तो वहां C डबल बॉन्ड C बनने में दोनों पाई बॉन्ड है, वो MOT में जाकर हम समझ सकते हैं। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है तो लिंक करेंगे चीजों को। तो कार्बन के अराउंड 4 वैलेंसी को पहला तरीका यह है शो करने का, दूसरा तरीका डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, तीसरा तरीका एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, चौथा तरीका हमारे पास दोनों डबल बॉन्ड।
तो कार्बन की चार वैलेंसी को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं? सारे सिंगल बॉन्ड लिखे जा सकते हैं, एक ट्रिपल एक सिंगल लिखा जा सकता है, डबल दो सिंगल लिखे जा सकते हैं, दो डबल लिखे जा सकते हैं। तो कार्बन की चार वैलेंसी को कार्बन के अराउंड इन चार तरीकों से मैनेज किया जा सकता है। इन दोनों को डबल बना दें, यहां पहुंच जाएंगे आप, ठीक होगी बात। अब इन तीनों को मिला दें, ट्रिपल वन पे पहुंच जाएंगे आप, और फिर इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो डबल डबल पे पहुंच जाएंगे आप। तो कार्बन की चार वैलेंसी कैसे हुई? एक्साइटेड स्टेट में जाकर, जबकि ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंसी कितनी हो रही है बच्चे? दो हो रही है, और ग्राउंड स्टेट की दो वैलेंसी एमओटी में दिखती है बिल्कुल, लेकिन इसके कंपाउंड्स 99.99 मत बोले आप, 100% कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन इन दिस यूनिवर्स आर इन द फोर वैलेंसी, और वो फोर वैलेंसी इस तरीके से अरेंज हो सकती है। तो हमारा क्वेश्चन यही था, हाउ द कार्बन एटम फॉर्म्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चार वैलेंसी है, इस चार वैलेंसी को ऐसे करके मैनेज करेगा, मैंने तरीका बताया। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा कि कार्बन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतना लंबा वर्ल्ड क्यों क्रिएट कर रहा है? तो वहां एक लॉजिक और बनता है, वो लॉजिक है कार्बन के अंदर एक यूनिक टेंडेंसी है, कार्बन के अंदर एक यूनिक टेंडेंसी है। आपके पास जो कार्बन है उसमें एक यूनिक टेंडेंसी है, और वो यूनिक टेंडेंसी है कैटिनेशन। वो यूनिक टेंडेंसी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या हुआ बच्चे? कैटिनेशन का मतलब हुआ खुद से खुद का जुड़ना। और पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आज के डेट में 118 एलिमेंट में बोलूं तो उसमें कार्बन के पास एक जबरदस्त एफिशिएंसी हुई, वो हुई कैटिनेशन की। और कैटिनेशन होने के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 348 किलो जूल पर मोल है, और ये जबरदस्त एनर्जी है। तो इसका मतलब इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट द कैटिनेशन इन एनी एलिमेंट, गो फॉर हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई कर दीजिएगा। दूसरी बात वैलेंसी हाई होनी चाहिए, और वैलेंसी इन भाई साहब की वैसी हाई पड़ी है। तीसरी बात, साइज स्मॉल होने से, वो तो हाइड्रोजन का भी है, वैलेंसी हाई नहीं है, साइज स्मॉल होने से पाई बॉन्डिंग की एफिशिएंसी क्या होगी भाई? इंक्रीज हो जाएगी। आप पी ब्लॉक में भी जाकर पढ़ सकते हैं इस बातों को। जितना छोटा साइज होगा एलिमेंट का, जितना छोटा साइज होगा उतनी बॉन्डिंग की पावर, उतनी बॉन्डिंग की एफिशिएंसी, उतनी बॉन्डिंग के अंदर इफेक्टिवनेस बढ़ती है। तो हुआ क्या जी, कार्बन छोटे साइज का था, पाई बॉन्डिंग में कैपेबल है, वैलेंसी हाई है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हाई है। इन चारों पांचों बातों को मिलाकर कार्बन के अंदर एक यूनिक टेंडेंसी, एक यूनिक आदत पड़ी, वो थी कैटिनेशन की, जो कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के पास है ही नहीं। द ओनली कार्बन विच कैन फॉर्म द चेन्स इधर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। तो कार्बन ब्रांच्ड अनब्रांच्ड ब्रांच्ड अनब्रांच्ड साइक्लिक असाइक्लिक यानी रिंग्स भी बना सकता है, ओपन चेन भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है जी। तो ऐसी ढेरों टाइप की चेन्स, ढेरों टाइप का कैटिनेशन का टेंडेंसी कार्बन शो कर सकता है। तो ये आदत भी कार्बन में हुई, इस वजह से एक पूरा वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ, और उसी को हमने कलेक्टिवली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलना शुरू किया, उसी को हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलना शुरू किया। ये आदत हाइड्रोजन में आ सकती थी, लेकिन हाइड्रोजन का साइज तो छोटा था, वैलेंसी कम थी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा उसकी, लेकिन उसकी वैलेंसी ज्यादा नहीं हो पाई। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में साइज भी छोटा था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी 436 किलो जूल पर मोल है, लेकिन 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमारे काम नहीं आई, आ सकती थी अगर ये कैटिनेशन में वैलेंसी ज्यादा शो कर देता, कैटिनेशन इसीलिए इसके अंदर हुआ नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसने बनाई? कार्बन ने बनाई। क्यों बनाई? कैटिनेशन था। कैटिनेशन क्यों हुआ? बीडी ज्यादा थी, वैलेंसी ज्यादा थी, पाई बॉन्ड बना सकता है, उस वजह से क्या हुआ, चेन भी बन गई और ब्रांच भी बन गई, साइकिल भी बन गया, ओपन भी बन गया, ठीक है जी। अब होगा क्या, इस कार्बन को हमने सिंगल वैलेंसी में, डबल वैलेंसी में, जैसे चार अलग अलग वैलेंसी शो की थी,
उनको शो करते हुए ढेरों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करवाना है। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, हमनी सिग्मा हमनी पाई बॉन्ड्स, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो कार्बन अपनी चार वैलेंसी को कैसे मैनेज करता है वो मैंने आपको बताया, इसके मैनेज करने का तरीका ये वाला। और इन चारों वैलेंसीज को हम लोगों ने किस अरेंजमेंट में, किस ज्योमेट्री में अरेंज करना है, ये सारा हमारा वीडियो का इश्यू होने वाले हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को आप ध्यान से सुनिएगा, अगला जो पार्ट टू आपके पास आ रहा है, अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। केमिस्ट्री वाले सर अब रेगुलरली इन्हीं वीडियोस को आप तक पहुंचाएंगे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी दिक्कतें हैं वो सारी की सारी दूर होने वाली हैं। पेशेंसफुली हर वीडियो को सुनिएगा, सिक्वेंशियल फॉर्म में ही आप तक पहुंचते रहेंगे। ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें, बहुत जल्दी आपके पास ये सिक्वेंस में सब वीडियो अवेलेबल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, पेशेंसफुली बिना टेंशन के काम करते रहिए। थैंक यू।